राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को भी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर अपने आरोपों का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने अपने आरोपों में सीधे भाजपा को भी शामिल करते हुए कहा कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वह वानखेड़े की भाजपा नेताओं के साथ साठगांठ का सबूतों के साथ पर्दाफाश करेंगे, तब भाजपा कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। गुरुवार को शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को मुंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि यह मामला आर्यन की जमानत के साथ खत्म नहीं होता, यह मामला तो समीर वानखेड़े की नौकरी जाने उन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के साथ खत्म होगा। मलिक ने कहा कि यदि ठीक से तथ्य रखे जाए तो आर्यन खान का मामला तो उच्च न्यायालय अपने आप रद्द कर देगा, लेकिन एनसीबी को उन सभी मामलों की गहराई से जांच करनी चाहिए जिनमें समीर वानखेड़े ने लोगों को जबरन जेल में रखा है। कुछ दिन पहले संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि नवाब मलिक ने इंटरवल तक की फिल्म दिखा दी है, इसके बाद की फिल्म मैं दिखाऊंगा। इस संबंध में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि आर्यन खान की जमात के साथ इस पिक्चर का इंटरवल हुआ है, आगे की फिल्म मैं ही दिखाऊंगा, अभी मेरे पास बहुत कुछ है, हम दोनों सलीम जावेद की तरह इस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। शोले न्यूज इंडिया के चंदौली ब्यूरो हेड रोशन मिश्रा की तरफ से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दिवाली, भाई दूज व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।